ओके सो चलते हैं सबसे पहले हम नेट की वेबसाइट पे और वहां देख लेते हैं कि कैसे हम जो क्वेश्चन पेपर आंसर किए हैं उनको मिलाते हैं, क्या सही तरीका है मिलाने का और ये जज करने का कि कितने हमारे क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए हम चलते हैं वेबसाइट पे। ये हमारी आप सबको पता है यूजीसी नेट की वेबसाइट है। इस पे ये पहला आपका ऑप्शन आता है और इसमें आपको अपना लॉगिन नंबर पासवर्ड का ऑप्शन क्लिक करके अपना आईडी पासवर्ड डाल करके यहाँ पे आपको डालना होता है अपना सिक्योरिटी कोड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी कोड डाल देता हूँ और उसके बाद हमें करना है साइन इन। तो आप सबको पता होगा, सबने देखा ही होगा, ये व्यू क्वेश्चन पेपर का आंसर आता ऑप्शन आता है। इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा और ये क्वेश्चन पेपर जो है इसमें आप देख सकते हैं किस किस पे आपने कहाँ मार्क किया है और यहाँ क्वेश्चन आईडी ऑप्शन आईडी दी है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। और अगर हम बात करें यहाँ पे चैलेंज आंसर की के अगर हम बटन को दबाएं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए जैसे ये क्वेश्चन आईडी है उसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ दिया है। कोई मतलब पहले क्या होता था कि जो आंसर द सीधे दिया होता था पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन, अब यहाँ आईडी का चक्कर है। क्यों है सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए गाइस, इसको थोड़ा ज़्यादा सिक्योर बना दिया गया है क्वेश्चन, ये जो हमारा एग्जाम होता है। जैसे दो बच्चे अगल बगल बैठते थे तो ऐसा हो सकता था एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछ ले कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अभी क्या है कि मेरे पेपर में आंसर का जो क्वेश्चन नंबर है कुछ और है, उसके पेपर में वही सेम क्वेश्चन किसी और नंबर से है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चलिए ये तो रही एक चीज। अब ये भी हो सकता था कि अगर मैं उससे बस ये पूछ लूं कि अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है उसका कौन सा ऑप्शन होगा, पहला होगा दूसरा होगा तीसरा होगा चौथा होगा, इसको भी खत्म कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब उसके जो ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं वो भी ऊपर नीचे दिए गए हैं। इसका मतलब जो मेरे एग्जाम पेपर में किसी क्वेश्चन का ऑप्शन वन है तो उसी में सेम चौथे पे वो राइट आंसर हो सकता है। तो अब ये भी आप नहीं पूछ सकते जल्दी में कि भाई कौन से नंबर पे है। तो दो सारी की सारी चीजें ऊपर नीचे कर दी गई हैं, क्वेश्चंस भी ऊपर नीचे हैं और उनके जो ऑप्शंस हैं वो भी ऊपर नीचे हैं। तो नंबर हर पेपर में बदल जाते हैं क्वेश्चन और उनके आंसर्स के। एक चीज नहीं बदलती है, वो है क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन आईडी। इसी वजह से जो ये जो की आ रही है इसमें क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन आईडी इसके हिसाब से की बनाई जा रही है। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, मतलब इसमें अगर हमें काउंट करना है कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसके बारे में आज हम बात करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं वापस अपने सिस्टम पे और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन पेपर को आप वैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें सबसे ऊपर यहाँ प्रिंट का बटन होगा। इसमें अगर आप क्रोम यूज कर रहे हैं तो यहाँ से सेव एस पीडीएफ ऑप्शन करके यहाँ सेव कर दें तो ये आपका क्वेश्चन पेपर सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आप मुझे सेंड करेंगे। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ कुमार भरत एजुकेशन का, जो कि है 9598887895। इस पे प्लीज़ आप इसको मैसेज कर दें ताकि इसको हम ले करके इससे फ्री मॉक टेस्ट जो कि आप examcoach.in पे देखते हैं वो फिर से आपको प्रोवाइड कराए जा सकें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम हर बार आपसे वही क्वेश्चन पेपर्स लेते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, मशीन में डालते हैं और आपके लिए ही वो 10 सेट्स पूरे बना करके फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं होगा, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो फोन नंबर है 9598887895, इसे प्लीज कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा जो भी आपका पेपर हो और उसको लेकर के डाउनलोड करके हम उसको अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे examcoach.in पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि चलिए ये तो हमने चलिए सेव कर लिया हमारा क्वेश्चन पेपर और ये हमारी जो आंसर की है। अब प्रॉब्लम यह है कि भाई ये कैसे मिलाएं, ये क्वेश्चन आईडी है, ये करेक्ट ऑप्शन है और ये क्वेश्चन आईडी कोई यहां तो होगी नहीं, कहीं पर भी हो सकती है इस पेपर में। तो आइए इसके बारे में जल्दी से देख लेते हैं क्या सही तरीका है। सबसे पहले तो आप क्या करें कि इस टैब को लेकर के आप आधा आधा कर लें। ठीक है, तो आधा मेरा टैब यहां है, यहाँ मेरी आंसर की खुली हुई है और यहाँ जो है ये मेरा क्वेश्चन पेपर खुला हुआ है। ठीक है, तो आधे आधे टैब में मैंने रख लिया। अब सपोज अगर मैं किसी क्वेश्चन की बात करता हूँ, सपोज कोई क्वेश्चन हम यहाँ से लेते हैं, ये क्वेश्चन हम क्वेश्चन आईडी ये वाली। ठीक है, तो क्वेश्चन आईडी को हम डबल क्लिक करके कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी दबा करके और इस आंसर की वाली हम यहाँ पे विंडो पे आके कंट्रोल एफ दबाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे तो देखिए ये अपने आप सर्च कर लेगा आंसर की में कि इसकी ऑप्शन आईडी क्या है। अब इसकी ऑप्शन आईडी के लास्ट 3 नंबर आप देखें ये है 151 और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो 4 ऑप्शन आईडीज दी हैं इस विंडो पे इसमें किस ऑप्शन में 151 है। तो ये आप देख सकते हैं ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन आईडी
यानी कि ये तीसरा जो यहाँ पे जो इसको ऑप्शन है वो सही होगा। तो इस तरीके से दो विंडो खोल करके आपको ये काम करना पड़ेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मुझे ऐसा लगता है बाय फार कि यही सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इधर कॉपी करें उधर पेस्ट करें, जो भी आपकी ऑप्शन आइडिया है उसको यहाँ से मिलाएं और एक कॉपी पेन साथ में रख के बैठे जिसमें कि आप उसको मार्क करते जाएं। तो चलिए ये तो हो गई बात कि इस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर के आंसर्स देख लेंगे कि भाई चलो मेरे 50 में से पेपर वन में 26 सही हुए, 30 सही हुए, पेपर टू में कितने सही हुए। लेकिन हमें आगे ये जानना है कि भाई चलिए हमारे इतने क्वेश्चन तो सही हुए हैं लेकिन रिजल्ट क्या होने वाला है, मतलब पेपर कैसा हुआ है। बहुत ही अच्छा हो गया तब तो हमें पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए, क्यों हम बेकार मेहनत करें। और थोड़ा बेकार हुआ है तो जाहिर सी बात है कि हमको आज और अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है। ये जानने के लिए कैसे हम इसको जानेंगे आइए इस बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला तो आपका काम है कि आपको जो हर बार कट ऑफ जाती है वो पता करना। काफी बच्चों को कट ऑफ क्या होता है नहीं पता होगा। देखिए हर साल परसेंटेज कितना नेट होगा ये बदलता है, तो सी टेट का एग्जाम्पल है उसमें फिक्स होता है इतना परसेंट ले आओ आप सी टेट क्लियर। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां जितने बच्चों ने पेपर दिया जितना उनका स्कोर हुआ नंबर हमेशा बदलता है परसेंटेज का। तो सबसे पहले तो ये पता करें कि पिछली बार आपके सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज रहा, और ये हर साल NTNET की वेबसाइट पे आता है लेकिन हर साल हटा भी दिया जाता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम अपनी ऐप पे ये सारे के सारे कट ऑफ सेव कर लेते हैं ताकि सबसे पहले तो आप ये आइडिया ले पाएं कि टारगेट कितना करना था या कितना हमें करना है। तो कैसे उसको एक्सेस करेंगे आइए उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने फोन पे। फोन पे आपको ऐप डाउनलोड करनी है कुमार भरत एजुकेशन। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको खोलेंगे तो इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा कट ऑफ का। उसमें आप स्क्रॉल डाउन करें और यहां पे देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है कट ऑफ का, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे आपके सामने ब्राउजर खुलेगा, ब्राउजर में पेज खुलेगा जिसमें आप देख सकते हैं कि यहां पे अलग अलग जो पेपर हुए हैं कट ऑफ दी है और 2019 तक जून 2019 तक दी है। तो जून 2019 की हम डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड का बटन दबाते हैं और यहां पे आप देख सकते हैं कि सारे परसेंटेज दिए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। देखिए अलग अलग यहां सब्जेक्ट दिए हैं और यहां पे अलग अलग इनकी कैटेगरीज दी हुई हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप देखें कि क्या आपका परसेंटेज यहां पे दिया है आपके सब्जेक्ट और आपके कैटेगरीज के हिसाब से। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम चलते हैं वापस अपनी ऐप पे और अपनी ऐप पे जा करके अपनी ऐप पे हम चलते हैं वापस और यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा एक और यहाँ पे होगा कट ऑफ कैलकुलेटर। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसको आपको क्लिक करना है और देखिए ये आपके सामने खुल जाएगा। अब आपको क्या है कि आपको इतना पता चल गया कि आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या जा रही है। मान लेते हैं कि 60% आपको लगा कि हाँ 60% 61% 62% इस तक की नेट की कट ऑफ जा रही है, मेरा नेट का टारगेट है। तो अब आपको क्या करना है, जो भी आपने क्वेश्चंस काउंट करेंगे कितने सही हुए हैं, ठीक है, वो आपको लिख देने हैं। तो सपोज 50 में पेपर वन में हो सकता है कि मेरे 30 सही हैं और हो सकता है पेपर टू में मेरे 60 सही हैं, ठीक है। तो जब मैं सबमिट बटन दबाऊंगा तो ये मुझे यहाँ पे परसेंटेज दे देगा कि भाई कितना परसेंट मेरा स्कोर हो रहा है। अब इस परसेंटेज को आप जो प्रीवियस कट ऑफ आपने देखी हैं आइडिया लगाया है उसके हिसाब से आप मिला सकते हैं और ये आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हिसाब से आपका रिजल्ट गया है, किस हिसाब से आपका पेपर गया है। यहाँ काफी बच्चे कहेंगे कि सर अभी तो रिजल्ट आने वाला है आप ये कैसे बता सकते हैं और ये बिल्कुल गलत है। देखिए ऐसा नहीं है, हमें थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में जानकारी मालूम करते रहना चाहिए और जो भी हमारे पास्ट में इवेंट्स हुए हैं उनके बेसिस पे। और हमेशा ऐसा होता है, हर जगह ऐसा होता है, चाहे आप मौसम विभाग की बात करें वहां पे भी पास्ट इवेंट्स के पैटर्न्स के हिसाब से हम आगे की प्रेडिक्शन करते हैं। शेयर मार्केट में भी यही होता है, जहां पे भी हमको फ्यूचर के बारे में जानना होता है पास्ट का हमारे पास डेटा होता है, हम पास्ट के डेटा के पैटर्न्स को लेकर के फ्यूचर को जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो ऐप है कुमार भरत एजुकेशन ये आपको मदद करेगी ये जानने में। आइए आगे बात करते हैं। चलिए अब हमें समझ में आ गया कितना किस टाइप से हमारा रिजल्ट आ रहा है, कितने हमारे मार्क्स आ रहे हैं, कितनी कट ऑफ जा रही है। आगे हम बात करते हैं क्लेम के बारे में। आप में से काफी बच्चों को लग रहा होगा कि भाई मेरा तो ये क्वेश्चन सही था और ये आंसर की हमें गलत दिया है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है आंसर की में कोई गड़बड़ी हो, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आप क्लेम करें आप बिल्कुल ये श्योर हो जाए कि क्या आप जो सोच रहे हैं सही है, हो सकता है आप ही गलत सोच रहे हो। और दूसरी चीज ये है कि जो भी आप सोच रहे हैं कि आपका सही और वहां पे गलत लिखा है तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके पास क्या कोई प्रूफ है, कोई किताब, कोई अच्छे एडिटर की किताब जिसमें कि ये बात लिखी हो। कोई वेबसाइट नहीं, वेबसाइट यहाँ काम नहीं करेगी, यहाँ पे आपको कोई किताब का ही रेफरेंस लेना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल श्योर हैं देन आप क्लेम कर सकते हैं। हर क्लेम की फीस 1000 रुपये प्रति क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा है।
लेकिन उसमें यह भी लिखा गया है कि आपको जब आपका क्लेम सही होगा तो वो आपको पैसे मिल जाएंगे। फिर भी काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं मुझे रिपोर्ट करते हैं कि सर पैसे नहीं मिलते हैं, मतलब बहुत टाइम हो गया कोई मेरे पास रिफंड नहीं आया। ऐसे में जाहिर सी बात है कि आपको उनको अप्रोच करना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी क्यों नहीं आपका पैसा आया। तो मेरे हिसाब से अगर आप बिल्कुल श्योर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन आपके लिए और आपको ऐसा लगता है कि रिजल्ट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जो आपने पैसे दिए हैं, तो पैसे का थोड़ा सा रहता है कि मिलने में प्रॉब्लम होती है, और मिलते भी हैं नहीं भी हैं, हो सकता है आप एफर्ट्स छोड़ दें और पैसे जो है आपके पास कभी भी नहीं आए। तो अगर रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर आप निश्चित रूप से, आप अगर लगता है कि आपने जो क्वेश्चन लगाया है, मार्क कर रहे हैं, वो आपका सही है, तो फिर आपको बिल्कुल क्लेम करना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर किसी ने मेरा भी क्वेश्चन गलत था, मेरा भी क्वेश्चन गलत बता रहा है, उसका एक किसी दूसरे पर्सन का भी वही क्वेश्चन है जो कि वो गलत उसमें दिया है, अगर वो क्लेम करेगा तो क्या केवल उसी के ही मार्क्स सही होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी क्लेम करे, अगर वो पूरे क्वेश्चन पेपर्स में अगर वो क्वेश्चन पाया जाता है कि आंसर की में गलत था, तो सबको मार्क्स मिल जाएंगे, सबके सही हो जाएंगे। इसीलिए जो फाइनल आंसर की आती है उसमें काफ़ी क्वेश्चंस पे सभी को मार्क्स दे दिए जाते हैं, क्योंकि किसी पे कंट्रोवर्सी हो जाती है कि भाई कोई कहता है नहीं ये सही होना चाहिए, यूजीसी भी नहीं प्रूव कर पाता, तो उस क्वेश्चन को सबको मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पैसे देंगे तो आप ही का सही होगा, अगर आप पैसे देंगे और वो सही हो जाता है तो सबका सही कर दिया जाएगा। तो आई होप कि मैंने पूरी जानकारी इस वीडियो में दे दी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल का बटन दबा दें। और इस वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।